वेलकम टू चैनल ट्रेवल विद भारती हम पहुंचे हुए हैं हैंपचा जगत के पाइन फॉरेस्ट में जी हाँ ये जगत का पाइन फॉरेस्ट है ये काफी खूबसूरत है कभी आप दार्जिलिंग आए तो लेपचा जगत के इस पाइन फॉरेस्ट में जरूर आए हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि ये कि कितना खूबसूरत है और लोग लगातार यहाँ पहुंचते हैं लोग आते हैं घंटों यहाँ समय बिताते हैं और यहाँ पर अगर फॉग का मौसम हो तो और बेहतरीन लगता है तो आप अगर आते हैं यहाँ तो यहाँ घूमे यहाँ का नजारा देखें और आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल ट्रेवल विदी भारती को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा तो बने रहिए मेरे साथ ट्रेवल विदिवासी भारती में हम आगे, आगे आपको दिखाएंगे कि लेपचा जगत का ये पाइन फॉरेस्ट कितना खूबसूरत है और लोग यहाँ आ रहे हैं घंटों समय बिता रहे हैं सारा आपको बताएंगे यहाँ कैसे पहुँचना है क्या यहाँ आने का सिस्टम है कैसे रहने की क्या व्यवस्था है सारा आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूजलपाईगुड़ी स्टेशन से 75 किलोमीटर तथा दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लेप्ता जगत का यह देवदार जंगल किसी जन्नत से कम नहीं दार्जिलिंग से मिरिक के रास्ते एनजेपी जाने के दरमियान यह जंगल देखने को मिलता है ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और उन पेड़ों के बीच से गुजरते मेघ की प्रकृति की एक अनुपम छटा से कम नहीं है और यही वजह है कि पर्यटक यहाँ घंटों समय गुजारते हैं वैसे तो लेपचा जगत अपने आप में एक खूबसूरत ऑफ प्लेस है लेकिन आज हम यहाँ इस देवदार जंगल की चर्चा कर रहे हैं लगभग सात हजार की फीट पर स्थित ऊंचे-ऊंचे देवदार के पेड़ ज्यादातर मेघों से ढके होते हैं यह एक ऐसा दृश्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जिन्हें प्रकृति से प्रेम है वैसे लोगों के लिए निश्चित रूप से यह किसी स्वर्ग से कम नहीं अगर आप शहर से दूर शांत और तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो आपके लिए देवदार का यह जंगल सबसे उपयुक्त है दार्जिलिंग और एनजीपी जाने के क्रम में ये जो रास्ता है लेपता जगत होकर इस रास्ते से जब भी आप आते हैं तो ये पाइन फॉरेस्ट मिलता है ये पाइन फॉरेस्ट काफी खूबसूरत है आप यहाँ आएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा ये ए, एक बहुत काफी खूबसूरत है हम आपको दिखाएंगे अब देखिए किस तरह से लंबे लंबे पाइन के पेड़ हैं यहाँ लगे हुए और हजारों की संख्या में पाइन के पेड़ हैं, जो काफी खूबसूरत हैं। और ये आपको दिखाएंगे इधर देखिए ये देखिए मेघ इसमें आ रहा है मेघ मेघ देख रहे हैं ये कुहासा नहीं ये मेघ है और पाइन पेड़ के बीच में ये मेघ काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पर लोग आते हैं और घंटों यहाँ समय बिताते हैं यहाँ सामने खाने पीने के लिए दुकान है बगल में होम स्टे वगैरह भी है मेरा नाम लखपा शर्पा है मैं इधर का रहने वाला हूँ और मेरा भी दुकान है इधर पास में और हम कंटिन्यू दो दो दिन पार्किंग के लिए हम समय देता है और पार्किंग के लिए और गाड़ी जाम हो जाता है इसीलिए हम दुकान में दो दिन समय देता है दो दिन इधर पार्किंग के लिए समय देता है और इधर का सबसे मेन ये तो रास्ता था आपको अभी आप देख ही लिया है आज से 200 साल आगे ये ऊपर का एक रास्ता था आदमी पैदल चल के वो भारी बोक के जाता था और बैलगाड़ी भी जाता था और नेपाल होके या दार्जिलिंग हो के ऐसा डाली तो आपको समझ लिया डाली दार्जिलिंग का थोड़ा सा आगे डाली है वहाँ तक जाता था आदमी पैदल और बैलगाड़ी में वो अभी तक ये रास्ता है ये रास्ता अभी तक आठ किलोमीटर अभी तक जीवित है ये ऊपर का दस्ता है उसके नीचे भी थोड़ा लेक भी है इधर अब ये व्यू पॉइंट का यही है खासियत इधर का लेप्टा जगत का पाइन फॉरेस्ट अर्थात देवदार के इस जंगल में जरूर आए यहाँ सड़क किनारे दुकानें लगती है जहाँ से नेपाली डीज का लुत्फ उठा सकते हैं आप चाहे तो यहाँ के होम स्टे में रह सकते हैं तथा इस देवदार के जंगल में घंटों समय बिता सकते हैं